करना हो ना तो एक्चुअल में करके दिखाएं। ये बारिश क्या करेगी, वीडियो बनाने देगी नहीं बनाने देगी? हम तोड़ मरोड़ के ऐसे करके जिम में भी रख सकते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? अभी टाइम हो रहा है 10:05 और आज है संडे और मैं अभी सो के उठा हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने संडे को वीडियो बनाई थी तो भी मैंने बताया था कि संडे को मेरा उठने का, सोने का, खाने का, पीने का कोई भी शेड्यूल नहीं रहता है। तो फिलहाल 10:05 हो रहे हैं और मैं कॉफ़ी लेके आ गया हूँ। वैसे मैं कॉफ़ी कभी कभी पीता हूँ बट आज मन था तो मैंने सोचा कॉफ़ी पी ली जाए। तो आज के वीडियो में काफ़ी कुछ है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी अपने ट्रांसफॉर्मेशन की, जिसमें 60 डेज का मैंने पूरा अपना शेड्यूल जो मेरे डाइट का रहता था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और जिन जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर कार्ड आ गया होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं वो वीडियो जिसमें मैंने पूरा डाइट का शेड्यूल अपना बताया है। तो आज का वीडियो भी पूरा देखना लास्ट तक, क्योंकि आज के वीडियो में काफ़ी कुछ है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो आज के वीडियो में ना कोई वर्कआउट होगा ना कोई डाइट होगी। आज से मैंने एक नई चीज़ शुरू की है अपने शेड्यूल में, वो है संडे को अपना चीट मील रहा करेगा। मैंने सोचा था जब 60 डेज कम्प्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं संडे को चीट मील किया करूँगा, तो आज संडे है तो आज हम कुछ भी खाने वाले हैं। कुछ भी का मतलब समझ रहे हो, चीट मील में जो मिल जाए, जितना मिल जाए सब कुछ खा लेंगे। एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहता हूँ, चीट मील का मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत रोटी खा लिया, थोड़ा बहुत चावल खा लिया। अगर आपने कोई गोल बनाया है कि मुझे इतने दिन में इतना अपने बॉडी में रिजल्ट लाना है, अगर वो आ जाता है उसके बाद सिर्फ आपको मेंटेन करना है, तो आप चीट मील में ना जो मर्जी आए खाएं, चाउमीन, मोमोज, फास्ट फूड, जैसा मर्जी खाएं, कोई इशू नहीं है, एक दिन खा सकते हैं। डेली चीट मील नहीं करना है, हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं, बाकी 6 दिन तक वही शेड्यूल रहेगा जो अपना पहले से चला आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ अपने 60 डेज की मेहनत, मतलब अपने 60 डेज में बॉडी में कितना चेंज आया और नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कितनी पॉसिबल है जो मैंने अभी तक 60 डेज में कर पाई है। तो वैसे जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आई थिंक मैंने लोगों के स्टेटस देखे थे, आज फ्रेंडशिप डे है, तो अपना एक कप है, तो ये भी मेरे एक फ्रेंड ने दिया था काफ़ी टाइम पहले। तो क्या बोलते हो भाई लोग, अब अपने 60 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो उतार दी जाए टी शर्ट। वैसे काफ़ी मेहनत लगी है मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करने में। डाइट तो आप लोगों ने देख ली होगी, कितनी टेस्टलेस डाइट मैं खा रहा था, बट कोई नहीं, जब अच्छा रिजल्ट मिलता है तो वो खाना भी हमें अच्छा लगता है। तो अभी टाइम आ गया है अपनी टी शर्ट उतारने का। तो देख सकते हैं आप, ये अपने एब्स की कंडीशन और ये अपने बाइसेप्स और ये साइड चेस्ट। वैसे पोजिंग करना इतना खास मेरे पे आती नहीं अभी, बट इट्स ओके। अब दिखाते हैं अपनी बैक। तो कुछ इस तरह की अपनी जो बॉडी की कंडीशन है हमने 60 डेज में अचीव की है, एक नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जिसमें बहुत सारी मेहनत और डेडिकेशन, मोटिवेशन और काफ़ी चीज़ों को अवॉइड करते हुए हम ये फिज़िक अपनी 60 डेज में कंप्लीट कर पाए हैं। वैसे मैंने फ़ोटोज़ वगैरह डाले थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो शायद लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सब एक एडिटिंग है, बट भाई लोग वीडियो में ऐसे एडिटिंग नहीं होती है। तो आप लोग क्लियर देख सकते हैं, वीडियो में आपको कंडीशन दिखा रहा हूँ कि एब्स की क्या कंडीशन है, चेस्ट की क्या कंडीशन है, शोल्डर की क्या कंडीशन है और अपने बाइसेप्स की क्या कंडीशन है। तो जो लोग सिर्फ बहाने मारते हैं ना, जिन्हें कुछ करना नहीं होता, तो वो सब ऐसे ही बोलते हैं कि एडिटिंग से पॉसिबल है, फलाना ढिमकाना, बट किसी को कुछ करना हो ना तो एक्चुअल में करके दिखाएं। बोलना आसान होता है कि इंजेक्ट कर लिया, स्टेरॉइड ले लिया, ट्रांसफॉर्मेशन ईजिली हो जाता है, भैया स्टेरॉइड वाले भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले मेहनत आती है, उसके बाद स्टेरॉइड आता है और बाकी सब चीज़ें आती है। सिर्फ सप्लीमेंट और स्टेरॉइड और इन सब से बॉडी नहीं बनती है। तो मैं स्टेरॉइड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ जो अपने प्रोफेशनल भाई लोग हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं,
तो उनका तो लेना ज़रूरी होता है, लेकिन हर कोई नहीं लेता है। वैसे मैंने आज तक कभी सोचा नहीं है गेम खेलने का, बट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं क्या मुझे कभी कंपटीशन खेलना चाहिए या नहीं। तो फिलहाल आज के वीडियो में काफ़ी कुछ और है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो अभी टी शर्ट पहन लेते हैं और आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा अच्छा है। तो थोड़े घर के काम है वो भी मैं कर लेता हूँ, उसके बाद अपनी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इट्स माय बॉडी, चलते हैं फटाफट। तो काफ़ी सोचने समझने और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद आ गया है अपना एक नया वर्कआउट का पार्टनर। तो ये है वन प्लस का बुलेट वायरलेस जेड बेस एडिशन, मतलब अपना एक नया हेडफोन। वैसे काफ़ी सारे हेडफोन मेरे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मैं जब वर्कआउट करता हूँ तो पसीना उसके अंदर चले जाता है और कभी एक ख़राब हो जाता है कभी दूसरा। तो इस तरह से अपने काफ़ी सारे हेडफोन अभी तक ख़राब हो चुके हैं, एक से एक अच्छा और बढ़िया हेडफोन मैंने ट्राई कर लिया है। तो एक नया हेडफोन आ गया है, अब देखते हैं ये कितने दिन में बलि चढ़ता है। तो फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। वैसे गैजेट्स का बहुत शौक है, ये सिस्का का पावर बैंक है, काफ़ी अच्छा है। उधर बोट का ईयरफोन एक इधर पड़ा हुआ है, मतलब काफ़ी सारे हेडफोन हैं अपने पास, बट किसी न किसी में कोई ना कोई थोड़ी बहुत कमी हो गई हैं। तो फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसके लिए हमारे पास एक पेन है, वैसे काफ़ी अच्छी पैकिंग में आया है। वैसे वन प्लस का फ़ोन यूज कर रहा हूँ, लगभग 2 साल होने वाले हैं, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं और काफ़ी मज़ेदार और भरोसेमंद हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा महंगा पड़ा, बट कोई नहीं, मंगा लिया। वैसे वन प्लस का ना एक चीज़ मैंने देखा है, हर चीज़ में थोड़ा सा रेड एडिशन होता है, मतलब उसका डाटा केबल ही देख लो और ऑडियो अडेप्टर ही देख लो और ऊपर से वन प्लस का ये हेडफोन का डब्बा। वैसे कलर से एक चीज़ याद आई मेरे को, पता क्या हुआ, इसका जो ब्लैक कलर में मैं खरीद रहा था तो मुझे पड़ रहा था वो 1900 रुपये का, और रेड कलर में 2000 रुपये का, मतलब कलर के नाम पे 100 रुपये ले लिए, बड़े सही चीज़ है बाबा। तो कुछ इस तरह से ये निकलता है, तो ऐसे करते हैं साइड और बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, बहुत सही। वाइट कलर के डब्बे में एक और डब्बा और डब्बे के अंदर एक और डब्बा जिसमें लगा हुआ है साइड में हेडफोन। तो अभी पहले इसे बाद में देखेंगे, देखते हैं कुछ और भी आया है क्या इसके साथ। वैसे पैकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है इसकी, ये देखो एक और बॉक्स, मतलब बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, कितने सारे बॉक्स इसके अंदर निकलने वाले हैं। तो इन्होंने कुछ एक ये कार्ड दिया है अपना रेड केबल क्लब, तो इस पर कुछ बारकोड वगैरह बना हुआ है, तो इससे स्कैन वगैरह कुछ कर सकते हैं, होगा कुछ। और इसके अंदर एक बड़ा सा मैनुअल जो ना कभी पढ़ा है ना कभी पढ़ा जाएगा, लगता है कुछ और भी है इसके अंदर। तो वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, मतलब एक छोटी सी डाटा केबल, तो जिससे हम अपने हेडफोन को चार्ज कर सकते हैं। वैसे इसमें सबसे अच्छी कमाल की चीज़ मुझे पता है क्या लगी, बताऊँ, थोड़ा पास आ जाओ। तो सबसे अच्छी जो कमाल की चीज़ मुझे लगी ना इसमें, वो है इसका ये वाला चार्जिंग पॉइंट, ये सी टाइप का चार्जिंग पॉइंट जो है, कम से कम मुझे 2 डाटा केबल नहीं रखने पड़ेंगे। जो मेरा मोबाइल का चार्जर है वन प्लस का, उसी से हेडफोन चार्ज हो जाएगा, वरना पहले जो मेरे पास सिस्का का हेडफोन था ना, तो उसमें एक अलग तरीके का पुराने वाला जो सैमसंग वगैरह में आता है वो चार्जर लगाना पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा डाटा केबल कैरी करनी पड़ती थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे आज ना दूसरी साइड में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा लाइटिंग कम आ रही है वो समझ में आता है, बाकी बार बार ट्राईपॉड को सेट करना पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत मैनेज तो करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को कर देते हैं साइड, और बारी आ गई है अपने हेडफोन की फाइनली चेक करने की। तो फाइनली एक खूबसूरत सा हेडफोन मेरे हाथ में आ गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, इसे हम तोड़ मरोड़ के ऐसे करके जिम में भी रख सकते हैं। तो ये पूरा रबड़ का है और यहाँ दोनों साइड में है प्लास्टिक, बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इन्होंने लिखा हुआ है वाटर रेजिस्टेंस है, बट इसका जो चार्जिंग पॉइंट है ये खुला हुआ क्यों है, पानी पसीना कुछ अंदर चला गया तो ख़राब हो जाएगा, बट होगी कोई टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको हेडफोन दिखा दिया है, तो ये आया था 2000 रुपये का। तो इसकी खास बात ये है कि 10 मिनट चार्ज करो 10 घंटे का बैटरी बैकअप ये निकाल देता है, ऐसा बॉक्स पे लिखा है और बाकी बहुत सारे रिव्यू भी मैंने देखे थे, तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसे फिलहाल मैं बाद में कनेक्ट करके और थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह सुन के इंजॉय करके पबजी वबजी खेल खाल के उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसा है ये हेडफोन,
खैर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप लोग वहां जाके परचेज कर सकते हो करना चाहो तो। तो अभी वीडियो में काफी कुछ बचा है तो चलते हैं फटाफट। अभी हम आ गए हैं एक नई लोकेशन पे, तो देख सकते हैं हेडफोन की अच्छी सी फिटिंग है, अच्छे से कान में फिट हो जाता है, तो दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा है और कंफर्टेबल भी है। तो अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सरप्राइज की, कि जो है हमारे पास इधर। ये वाला है अपना नया स्कूटर जो हमने ख़रीदा है, मतलब बाइक बेचने के बाद आजकल हमने ये ले रखा है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि बाइक सेल करके स्कूटी ली है। तो ये है अपनी TVS की एंटॉर्क स्पेशल एडिशन, मतलब एवेंजर वाला मॉडल है ये, एवेंजर करके। तो इसके 4,000 रुपये एक्स्ट्रा गए थे, 101,000 रुपये में नॉर्मल स्कूटी आ रही थी। ये बारिश क्या करेगी, वीडियो बनाने देगी नहीं बनाने देगी, बारिश ने ना सारा माहौल ही ख़राब कर दिया। इतनी अच्छी लोकेशन पे आया था मैं, मैंने सोचा था स्कूटी की वीडियो इतनी अच्छी लोकेशन पे शूट करेंगे, पर सारा माहौल ख़राब कर दिया। ये स्कूटर मुझे पड़ा था 105,000 रुपये का, मतलब 104,800 कुछ का, तो राउंड फिगर 105,000 का। तो ये स्पेशल एडिशन है इसलिए 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े थे, वरना 101,000 में आ रहा था स्कूटर। वैसे कलर मेरा हमेशा से फेवरेट है ब्लू, क्योंकि अपने पास बाइक भी ब्लू, कार भी ब्लू और अब स्कूटी भी ब्लू, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इसका, मैं काफ़ी खुश हूँ इससे। 40+ माइलेज अभी आराम से दे रहा है और भगाने में तो हमारे साथ मज़ा ही आ जाता है। एक्टिवा और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें एक मोड है स्पोर्ट्स मोड, अगर उसे आप ऑन करते हो तो मतलब फिर तो पूरी बाइक वाली फीलिंग आती है, मतलब क्या गजब ही भागती है। तो काफ़ी अच्छा स्कूटर है, अगर आप लोग चाहो तो परचेज कर सकते हो। ये कोई पेड रिव्यू तो है नहीं, मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है उसके बारे में आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ और उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करता हूँ। तो काफ़ी अच्छा स्कूटर है, आप लोग चाहो तो इसे परचेज करो, मतलब एक्टिवा से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। थोड़ा महंगा है बट मज़ा आ जाएगा ब्रो, मतलब मज़ा। इतने सारे फीचर्स हैं कि अभी तक ना तो मैंने यूज़ किए हैं और ना मुझे सारे यूज़ करना आते हैं, बट चीज़ अच्छी है। तो लोकेशन देख रहे हो आप कितनी बेहतरीन है, तो अभी मैंने प्लान किया यहाँ पे थोड़ा सा रील्स बनाते हैं और फोटोज़ वगैरह शूट करते हैं। तो हमारे साथ है ध्रुव, तो ये हमारे वीडियो फोटोज़ थोड़े से क्लिक कर लेगा। अभी बाकी अपने जो वीडियो की बातें हैं वो घर जाके कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे अपने फ़ोटोज़ और रील बनाते हैं जो कि आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, ID स्क्रीन पर आ रही होगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौसम है, बस बारिश ने थोड़ा सा माहौल ख़राब कर रखा है, तो मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ेंगे। वैसे आज फ्रेंडशिप डे है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो काफ़ी सारी स्टोरीज लगाई थी मैंने, तो वो भी सब इंस्टाग्राम पे जाके देखो ना। तो फिलहाल मैं आ गया हूँ घर पे और अब थोड़ा कुछ खाएंगे पियेंगे, भूख लगी है बहुत ज़ोरों से। आज का काम करते करते, मतलब आज की वीडियो शूट करते करते 2 बज चुके हैं, तो शायद 10 बजे मैंने वीडियो स्टार्ट करी, मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत और कितना टाइम लगता है वीडियो शूट करने में। वैसे एक चीज़ बता देता हूँ, घर की हालत देखो ज़रा, स्टूडियो देखो अपना, ट्राईपॉड, एक माइक, उधर हेडफोन का बॉक्स, ये सब चीज़ें भी हमें समेटनी है, मतलब ये सब चीज़ें भी हमें अच्छे से संभाल के रखनी है। तो अब लग जाते हैं, पहले कुछ खाने के लिए बनाते हैं, भूख लगी है बहुत ज़ोरों से, तो पहले कुछ खाएंगे उसके बाद ये सारा काम करेंगे और वीडियो भी एडिट करनी है और अपलोड भी करनी है, मतलब इतना सारा काम। आप लोगों का काम क्या है आपको पता है, फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और जिसे हेडफोन खरीदना हो, जिसे बाइक खरीदनी हो अपने किसी दोस्त को, उसको कर दो वीडियो को शेयर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ।